हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दाइव जेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार जानदार आपके काम की वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम सॉल्व करेंगे 12th क्लास के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का TMA सन 2019 के लिए, जिन बच्चों को देना है एग्ज़ाम अप्रैल सन 2019 में। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना TMA तैयार नहीं किया है, वो फटाफट 31 जनवरी से पहले पहले अपना TMA जमा करवा के जो है अपने अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करवा दीजिए। वैसे अच्छा होगा होगा कि आप 27 जनवरी तक अपना अपना TMA जमा करवा दें। तो आइए फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड है आपका 317, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सन 2018 से 19 के लिए, और यह है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम में भी हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके आराम से इसे कर सकते हैं। तो आइए इसके आंसर जल्दी से जल्दी देख लेते हैं, जिससे कि आप अपना असाइनमेंट वक्त पर बना सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे एक बेल आइकन दिखेगा आपको, उस पर भी आप क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो बनाऊं आप लोगों तक समय पर पहुंच जाए और आपका समय ख़राब ना हो और आप जो है अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएँ, क्योंकि इस चैनल पर आपको छोटी से बड़ी जानकारी जो है दी जाती है। क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखे हैं, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मैंने इसे सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं किया गया है। मैं उसका कारण आपको बता देता हूं, क्योंकि हर असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रोजेक्ट होता है और उसे हर बच्चे को अलग अलग करके दिखाना होता है। अगर आपको एक जैसे सभी के आंसर हो जाएंगे तो वो आपको नंबर कम देगा स्टडी सेंटर वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो परियोजना है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो सभी के डिफरेंस हो, और नकल करने की ये कोशिश ना करें, क्योंकि ये अलग ही होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो समय पर बना लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए इस वीडियो को और इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।